हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर कुकिंग ब्लॉग। तो दोस्तों फिर से हम लोग आ चुके हैं और एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर, क्योंकि कुछ दिनों से हम लोग लापता थे गर्मी की वजह से। और दोस्तों इस गर्मी में और एक गर्मा गर्मी रेसिपी लेके आप लोगों के सामने आ चुके हैं। तो दोस्तों आज हम लोग बनाने वाले हैं रसगुल्ला पराठा विथ मसाला ऑमलेट फ्राई। तो दोस्तों इसको हम लोग बनाने वाले हैं, फर्स्ट एंड तक दिखाएंगे कैसे इसको तैयार करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को, लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों फिलहाल आज का वेदर जो है बहुत ही बेहतरीन सा है और आज धूप थोड़ा सा कम है, और इस बेहतरीन सा वेदर में चलो शुरू करते हैं हमारे इस कुकिंग को। तो गाइस यहाँ पर देखो, तो हमारा एक मसाला के लिए यहाँ पर है कांदा, टमाटो, हरा मिर्च और लहसुन। और इस तरफ देखो तो हमारा ढेर सारा अंडा जो है यहाँ पर रेडी हो चुका है। तो फिलहाल इसको हम लोग बारीक बारीक में कट कर लेंगे। तो चलो कट कर लेंगे। यहाँ पर हमारा सारा सब्जी प्रॉपर कटिंग हो चुका है, देख सकते हो। तो चलो फिलहाल शुरू करते हैं कुकिंग स्टार्ट। जैसे कि दोस्तों हमारा तेल प्रॉपर गर्म हो चुका है, अभी हम लोग डालेंगे इसके अंदर हरा मिर्च और लहसुन। तो इसको हम लोग फ्राई करेंगे। और दोस्तों थोड़ा सा हम लोग अभी डालने वाले हैं नमक। हमारा लहसुन और हरा मिर्च प्रॉपर भून चुका है, अभी दोस्तों हम लोग डालने वाले हैं हमारा कांदा। तो जैसे कि दोस्तों हमारा सब्जी प्रॉपर फ्राई हो चुका है, अभी हम लोग डालने वाले हैं लाल मिर्च का पेस्ट। थोड़ा सा ही हम लोग डालने वाले हैं लाल मिर्च और इसको बढ़िया तरीके से हम लोग और भून लेंगे। तो गाइस यहाँ पर हमारा मसाला थोड़ा सा भून चुका है, इसके बाद हमारा जो अंडा है उसको हम लोग अभी डालने वाले हैं। एक एक करके सारा अंडा हम लोग डाल देंगे इसके अंदर। दो, तीन, चार, अरे पांच। अभी थोड़ा सा हम लोग डालने वाले हैं नमक, इसको हम लोग बढ़िया तरीके से। तो अभी हमारा अंडा जो है प्रॉपर फ्राई हो चुका है, तो फिलहाल हम लोग डालने वाले हैं इसके अंदर पानी, और जो हमारा अंडा है उसको थोड़ा सा हम लोग बॉईल करने के लिए छोड़ देंगे। तो चलो हम लोग थोड़ा सा पानी डालते हैं इसके अंदर। तो देख सकते हो पानी यहाँ पर डालना हो रहा है, और इसको थोड़ा सा और हम लोग बॉयल होने के लिए रख देंगे। तो चलो बॉयल होने देते हैं। फाइनली दोस्तों हमारा एक मसाला बन के रेडी हो चुका है। तो चलो फिलहाल जो हमारा रसगुल्ला पराठा है उसको हम लोग बनाते हैं। तो चलो इस तरह हमारा एक मसाला जो है प्रॉपर रेडी हो चुका है, और अभी हम लोग फिलहाल तैयार करेंगे हमारा रसगुल्ला पराठा। चलो यहाँ पर हमारा डो भी रेडी हो चुका है, इसको हमने पहले से ही आटे को गूंद के रख दिया था। चलो पहले हम लोग थोड़ा थोड़ा
रसगुल्ला पाउडर। तो दोस्तों अभी आप लोगों ने देखा हमारा पराठा और एक मसाला प्रॉपर बन के रेडी हो चुका है। तो फिलहाल इसको हम लोग भाप देने वाले हैं इस केले के पत्ते के अंदर। तो पहले हमारा जाएगा एक पराठा, सॉरी रसगुल्ला पराठा, और जो हमारा मसाला एग है उसको हम लोग फिलहाल डालेंगे, और इसके ऊपर और एक जो हमारा पराठा है उसको इसी तरीके से लेयर के लेयर हम लोग डालने वाले हैं मिर्ची के साथ। तो फिलहाल इसको हम लोग बढ़िया तरीके से रैप कर देंगे। तो चलो इसको हम लोग रैप कर लेते हैं। तो गाइस हमारा पराठा रैप हो चुका है। तो फिलहाल हम लोग पैन के अंदर बैठाएंगे और इसको हम लोग दोनों तरफ से बढ़िया तरीके से फ्राई कर लेंगे। तो चलो इसको हम लोग फ्राई कर लेंगे। तो फाइनली दोस्तों आज का हमारा स्पेशल मेनू बन के तैयार हो चुका है, और इसको हम लोग केले पत्ते के ऊपर थोड़ा सा भाप दिए हैं क्योंकि इसका जो अंदर का जो पानी है इससे और भी ज़्यादा ये नरम होगा और बॉयल होगा। तो फिलहाल इसको हम लोग निकाल लेते हैं और देखते हो तो कितना बढ़िया लग रहा है दिखने में, और अंदर का जो सारा सामान है सब कुछ प्रॉपर बॉयल हो चुका है, और केला के जो पत्ता है वो भी थोड़ा बहुत बॉयल हो चुका है। तो फिलहाल देख सकते हो कुछ ऐसा सीन है आज का हमारा मेनू का। तो देखो तो फाइनली दोस्तों आज का हमारा स्पेशल मेनू बन के हमारे हाथ में आ चुका है, और कुछ ऐसा सीन है। तो दोस्तों खाने में कैसा लग रहा है सब कुछ हम लोग बताएंगे, और आप लोग ऐसे टाइप का खाना अपने घर में ज़रूर ट्राई करना। कुछ यूनिक सा तरीके से इसको हम लोग बनाया, और अंदर में जो हमारा पराठा था बहुत ही सॉफ्ट हो गया है बॉयल करने की वजह से। तो फिलहाल चलो एक बाइट लेते हैं और टेस्ट करते हैं कैसा लगता है खाने में। चलो भाई बहुत ही आरामदायक खाना है, ठंडे के सीज़न में बहुत ही बेहतरीन लग रहा है, और मिर्ची थोड़ा सा मिर्ची ले लेंगे तो और भी ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। तो फिलहाल इस बेहतरीन सा ब्लॉग को हम लोग एंड करते हैं, और अपने घर में जाके अभी ट्राई करो। तो मिलते हैं और एक इंटरेस्टिंग कुकिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू सून।